हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील लाइफ विथ रेनू। तो आज मैं स्वीट बॉक्स का एक बहुत ही सिंपल और इजी डीआईवाई शेयर करूंगी। मैं इससे ट्रे बनाऊंगी। चलिए देखते हैं किसे मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने एक गोल्डन कलर का रैपिंग पेपर लिया फ्रेंड्स। ये दूसरे साइड से भी यूज हो सकता है, दूसरे साइड में इसका कलर सिल्वर है। तो मैं एक को गोल्डन से और दूसरे को सिल्वर कलर से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से रैपिंग पेपर पे ये स्वीट बॉक्स का टॉप है उसे मैं बेस में यूज करूंगी। तो इस तरह से रख के दो दो इंच एक्स्ट्रा पेपर कट कर लूंगी और इसे रैप कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं फिर इसके अंदर फेविकॉल लगाकर जो बॉक्स का बेस है इसके अंदर सेट कर दूंगी। और इसके सेंटर में मैं गोल्डन पेपर कट करके लगा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं चारों तरफ नहीं रैप कर रही हूँ, सिर्फ सेंटर में ही लगाऊंगी। ये मजबूत कार्डबोर्ड है और डबल से किया तो और ज़्यादा मजबूत हो गया है। ये कुछ बैंगल्स हैं गोल्डन कलर के, मेटल के हैं। इसे मैं फेविकॉल की हेल्प से कार्डबोर्ड के बीच में जो गैप है उसमें सेट कर दूंगी। इससे एक अच्छा पैटर्न बनेगा। आप चाहे तो हॉट ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं, इससे ट्रे का लुक अच्छा आएगा। 4-5 घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो देखिए एक ट्रे रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरे ट्रे को भी रेडी कर लूँगी। इसे मैं सिल्वर कलर से बना रही हूँ। ये देखिए हो गया है। घर के सामानों से ही एक अच्छा ट्रे रेडी हो जाता है फ्रेंड्स, जिसे आप अपने डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल या साइड टेबल को डेकोर कर सकते हैं। तो अगर स्वीट बॉक्स हो अच्छा मजबूत तो आप उससे ट्रे ज़रूर बनाएं। इस पर भी मैं दो बैंगल्स लगा रही हूँ होल्ड करने के लिए हैंडल की तरह। और मैं इसके सेंटर में ब्लू कलर से रैप कर रही हूँ। ये देखिए इससे मैं कुछ पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, इससे ट्रे और सुंदर लगेगा। तो अब मैं इस पर ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दूंगी। ये कुछ मिरर्स हैं फ्रेंड्स डायमंड शेप और सर्कल शेप के, उसे भी लगा दूंगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा पॉम्पम लगा दिया रेड कलर का और उसको चारों तरफ मिरर लगा दूंगी। इससे एक फ्लावर का लुक आएगा। तो ये देखिए हमारा दूसरा ट्रे भी रेडी हो गया है। देखिए मैं इसे डाइनिंग टेबल पर प्लेस कर रही हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और दूसरे ट्रे को मैंने साइड टेबल पे रखा है, आप चाहें तो इसे सेंटर टेबल पे भी अपने अनुसार डेकोर कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।